खुश हो बच्चे आप लोग, क्लास को स्टार्ट करें बाबू। एक ना क्लास में बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है बाबू कि एक स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर का साइड लेंथ गिवन है ए, ठीक भाई। स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज एडजस्ट किया गया है बाबू। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस टू क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ठीक। स्क्वायर के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा गया है, ठीक। आपसे पूछा ये जा रहा है भाई कि इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, ठीक। कि कैपिटल क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। देखना, कुछ नहीं लिखा है, जरूर प्लस चार्ज होगा बाबू, ठीक ना। इस पर हमको नेट फोर्स निकालना है भाई, तो इस पर कौन कौन चार्ज फोर्स लगा सकता है, ये चारों, ठीक ना। सबसे पहले बताओ ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा। अगर ये डिस्टेंस आप निकालोगे यहां से यहां तक का, तो ये डायगोनल का आधा है भाई। तो ये डिस्टेंस आप पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, ए वाई रूट टू था, ठीक। अब ध्यान से देखना ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। एफ इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक भाई। इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक ना। और फोर्स का नेचर कैसा होगा भाई, रिपल्सिव होगा। दोनों लाइक चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा बाबू। तो ये वाला चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, लाइन रनिंग के अलोंग। कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से, इतने मैग्नीट्यूड के फोर्स से बाबू, ठीक। अगर आप इस चार्ज की बात करो, तो ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा बाबू। इसके ऊपर ऊपर धक्का लगाएगा, मतलब इधर फोर्स लगाएगा, ठीक। और फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से इतना ही होगा बाबू, क्योंकि सभी चीज सेम है। डिस्टेंस यहां से यहां तक का जितना है, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक का है बाबू। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। मतलब ये वाला चार्ज ऊपर वाला चार्ज उसको इधर रिपेल करेगा, और नीचे वाला चार्ज उसको ऊपर रिपेल करेगा बाबू, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से। तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये दोनों चार्ज मिलके इस पर कितना फोर्स लगाएगा बाबू, जीरो। अब बचा कौन कौन है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। तो पहले उसका फोर्स निकाल लेते हैं भाई। अगर आप प्लस टू क्यू का फोर्स निकालोगे, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय प्लस टू क्यू, ये लिखोगे आप के टू क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ठीक। नीचे में क्या लिखते हैं आप, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ए वाई रूट टू, ठीक। तो आप लिखिए बाबू ए वाई रूट टू का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो याद आएगा, फोर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना बाबू, ये टू क्यू चार्ज इसको इधर धक्का देगा, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा भाई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर रिपेल किया बच्चा जी, ठीक। अब निकाल लो इसका फोर्स, माइनस क्यू चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हो, तो लिखो के इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू बाय बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर भाई। यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिर ए वाई रूट टू ही आएगा, ठीक। ये हो जाएगा कितना, टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक बाबू। अब ध्यान से देखना, ये निगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक बाबू, समझना। ये प्लस टू क्यू चार्ज इसको धक्का दिया, और ये माइनस क्यू चार्ज खींचा इसको, ठीक। ये दोनों फोर्स ध्यान से देखना सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। प्लस टू क्यू चार्ज भी डायगोनल के अलोंग इसको रिपेल किया, और माइनस क्यू चार्ज भी इसको डायगोनल के अलोंग
अट्रैक्ट किया है। ठीक बाबू, जब दो फोर्स के डायरेक्शन सेम होते हैं बाबू, तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हो, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं आप उसको। ठीक, तो उस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स अगर आप लिखोगे, आप लिखोगे फोर्स बाय माइनस क्यू चार्ज प्लस फोर्स बाय टू क्यू चार्ज। देखो तो क्या क्या है भाई, 4k स्मॉल q कैपिटल q बाय a स्क्वायर प्लस 2k स्मॉल q कैपिटल q बाय a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा जरा देखो तो, 6k स्मॉल q कैपिटल q बाय a स्क्वायर। समझे कैसे भाई, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ठीक ना, वेक्टर को बस ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते समय, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक, एक बार आप लोग खुद से करोगे तो आ जाएगा, ठीक ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना, ठीक भाई। क्वेश्चन क्या है ये देख लेना बाबू, एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस है बाबू, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ठीक। इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है बाबू, ठीक। आपको फाइंड आउट करना है इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक बाबू। आप इसका आंसर मुझे बता देना, ठीक ना, नहीं आए तो पूछ लेना आप, ठीक भाई। ठीक बच्चे, फिर रहने दे रहा हूँ यहीं तक, ठीक।